अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में सत्तू के बेशुमार फायदे हैं। हम जो बड़े बड़े शरबत ये केमिकल के पीते हैं खूबसूरत पैकिंग में, मेरा मैसेज ये है कि अगर सत्तू का इस्तेमाल किया जाए तो गर्मियों का बेहतरीन इलाज है और सुन्नत नबी भी है। फतेह खैबर के बाद जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया, तिर्मिज़ी शरीफ के मुताबिक वलीमा में सत्तू और खजूर थे, बुखारी शरीफ के मुताबिक वलीमा में सत्तू खजूर और मक्खन मौजूद था। इसी तरह जो है सहाबा कराम ताबीन तबे ताबीन से भी ये मालूम होता है कि जब जंगें होती तो जंगों के दौरान जो है अक्सर सहाबा कराम जो है सत्तू का इस्तेमाल करते। सत्तू कमज़ोरी के लिए बहुत ही बेहतरीन इलाज है, कमज़ोरी से पहले ताकत के लिए और ताकत को बहाल करने के लिए, दिल के लिए, दिमाग के लिए बहुत ही मुफीद है। और अल्लामा इकबाल इस तरह फरमा रहे हैं जौ का बना हुआ सत्तू कि है जहां में नाने शहीर पर है मदारे कुवत हैदरी,